हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज फ्राइडे जो इंपॉर्टेंट डे, तो आरबीआई का एक मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होने का था। तो इन टर्म्स ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक ये सब आपको ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि उसका मेजर डेवलपमेंट होता है। जो आज का जो फाइव की टेक अवे जो आज का जो पॉलिसी अनाउंसमेंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो पहला टेक अवे, जो आरबीआई का जो रेपो रेट है वो इंटैक्ट है, मतलब 6.5% का अनचेंज किया, तो एक अच्छी बात है। मतलब जो एक्सपेक्ट किए थे, मतलब कुछ चेंजेस होगा, नहीं कुछ चेंजेस नहीं हुआ। तो रेपो रेट 6.5% है और जो बैंक रेट है 6.75% का है और जो एसडीएफ रेट है रिमेंस 6.25%। एक अच्छी बात है, मतलब कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किया, तो एक पॉज बोल सकते हैं आप डेवलपमेंट में। और दूसरा जो है फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन, जो आज गवर्नर साहब ने बहुत जोर दिया है इन्फ्लेशन में फाइट करने का, क्योंकि आप जानते हैं वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन बहुत हायर रेट में बढ़ रहा है। तो और जो इसका कंसिडरेशन में इंडिया ठीक ठाक ही कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग तो जो हमारा टारगेट है वो अचीव हुआ। तो उसका इंपॉर्टेंस है, आई वुड लाइक टू एम्पथेट रिट्रीट आवर इन्फ्लेशन टारगेट इज़ 4% एंड नॉट 6%। आवर एम टू अलाइन इन्फ्लेशन टू द टारगेट ड्यूरेबल बेसिस सपोर्टिंग अ ग्रोथ, और ग्रोथ के साथ अपनों को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। वो वही बोल रहा है कि तो इन्फ्लेशन सीपीआई इन्फ्लेशन प्रोजेक्ट है FY24 के लिए 5.4% और क्वार्टर 3 5.6% का है। तो सीपीआई इन्फ्लेशन क्वार्टर 1 FY25 के लिए प्रोजेक्ट किया 5.2% का। तो वही कह रहा है कि जो अपना जो अभी जो इन्फ्लेशन है तो कंट्रोल में है, कुछ हद तक इंडिया में कंट्रोल में है, लेकिन हम लोग ग्रोथ में भी फोकस करना पड़ेगा, साथ साथ में आपको इन्फ्लेशन भी कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके लिए क्लियरली वो मेजर हम लोग आरबीआई ले रहे हैं। तो ग्लोबल हेडलाइंस इन्फ्लेशन जो है जो हायर साइड में, तो ग्लोबल इन्फ्लेशन हायर साइड में, उसके चलते इंडिया में भी इम्पैक्ट आ सकता है, ज़रूर आएगा, क्योंकि हम लोग ग्लोबल मार्केट को रूल आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सप्लाई चेन का एक प्रॉब्लम हो सकता है। उधर कोई भी कंट्री हो, मतलब चाइना होने दो, यूरोप होने दो और अमेरिका होने दो, तो एक सप्लाई चेन का एक अपना कंटिन्यूटी है, उसमें एक रुकावट आ सकता है। जो ग्रोथ रेट है वो भी अनचेंज है, 6.5% का जीडीपी ग्रोथ है जो क्वार्टर 2 का, वो भी एक अच्छी बात है। मतलब जो ग्रोथ रेट है, मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और ज़्यादा घटा भी नहीं है। और जो FY25 को क्वार्टर 1 के लिए वो 6.6 का एक फोरकास्ट रखा है अपना आरबीआई गवर्नर ने। और सेल्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑन द कार्ड, जो गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी ओपन मार्केट ऑपरेशन में थ्रू एक सेल्स हुआ, मतलब कंसिडर किए कर रहे हैं, क्योंकि लिक्विडिटी का एक उसको मैनेज करना पड़ेगा। मार्केट में जो लिक्विडिटी होता है उसके लिए एक कंसिस्टेंटली एक मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो लोग एम कर रहे हैं, तो उसको मीटअप करने के लिए। सो अगर हो सके तो जो गवर्नमेंट जो बॉन्ड है उसका भी एक लिक्विडिटी करने के लिए सोच रहे हैं। और जो पांच का है न्यू चैनल फॉर कार्ड ऑन टोकनाइजेशन, जो टोकनाइजेशन जो है जो एक्चुअली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए जो भी अपना कार्ड होल्डर जो है उनका अलग एक लेन बनाया हुआ है, तो फॉर द एग्जिस्टिंग जो है अपना वेरियस एप्लीकेशन के लिए, जो ई कॉमर्स एप्लीकेशन के लिए फॉर ईज़ ऑफ सर्विस, वो एक पाँच टेकअवे है। तो अपना आज का जो मार्केट अपना आरबीआई पॉलिसी का है, तो मार्केट भी बहुत अच्छा रिएक्ट कर रहा है, तो उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। आज मार्केट जबरदस्त रिएक्ट किया जो पॉलिसी का भी अनाउंसमेंट था, तो इसके चलते आज अराउंड 0.5% एक ऊपर है निफ्टी, और आप देख सकते हो तो अराउंड अभी 19,650 के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं फिलहाल। तो ये लेवल पे थोड़ा बहुत अभी क्लोजिंग अच्छा होना चाहिए, तो अभी एक दो दिन अगर इधर यहाँ पे रुकेगा उसके बाद आप आगे का आप मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। तो अभी इवन बैंक निफ्टी भी आप देख सकते हो अराउंड 0.3% का ऊपर कामकाज कर रहा है, तो अराउंड 44,500 का लेवल को उसको डिसाइसिवली क्लोज करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग एग्रेसिवली इंडेक्स में पोजीशन कैरी कर सकते हैं। अभी तो साइडवेज एक्सपेक्टेड है, मतलब कुछ दिन का साइडवेज एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट वीक के लिए, तो देखते हैं क्या होता है करके। अभी तो ठीक है, वो पॉलिसी का सब ठीक ठाक ही है, कुछ ज़्यादा कुछ मेजर डेंट नहीं हुआ इन टर्म्स ऑफ MPC मॉनेटरी पॉलिसी, तो इवन ये सब चलता रहेगा अभी। तो जैसे कि आपको बताइए, हम लोग को जो ऑप्शन बाइंग का जो स्ट्रेटजी है, आपको वीडियो जो न्यू कमर है जो ज़रूर वो वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा तो हमारा चैनल में। तो जो एज़ पर आवर जो रूल है, आज को एक ज़बरदस्त ट्रेड मिला, आज भी एक हर रोज़ इसमें ट्रेड मिलता है। जो आज का जो ब्रेक डाउन का जो ट्रेड है अराउंड 11 बजे के आसपास जो है, तो जैसे कि सारा अपना जो पैरामीटर है, जो अपना रूल्स है, रूल बेस्ड जो हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, जो बैंक निफ्टी में 3 मिनट चार्ट फ्रेम में एग्जैक्टली मीट हो गया अराउंड 11:18 को,
तो उसमें अराउंड आपको 44,400 के लेवल में जो एंट्री मिला, वन वे में अराउंड 180 के पॉइंट आपको वन वे में कैप्चर किए होंगे। अब जो भी अपना रूल बेस्ड ट्रेनिंग अपना ट्रेडिंग किया तो बैंक निफ्टी में, इवन निफ्टी में भी अच्छा खासा आपको ये मिला। उसके बाद साइडवेज सीधा मार, ज़्यादातर साइडवेज सीधा मार्केट, ज़्यादा कुछ आपको अपॉर्चुनिटी मिला नहीं होगा। अगर वीकेंड में अगर 150 पॉइंट मिलेगा तो और क्या बात है, और कुछ चाहिए भी नहीं आपको। अभी जो जो भी ट्रेड किए हैं इसमें तो आपको एग्जिट कर सकते हैं, वो सिस्टम शट डाउन कर सकते हैं, और आपका जो वीकेंड है एंजॉय कीजिए। इवन निफ्टी में भी अच्छा ट्रेड मिला है, निफ्टी में भी देख लीजिए अच्छा ट्रेड मिला है अराउंड ये लेवल पे, अराउंड 40-45 का पॉइंट, निफ्टी में कम नहीं होता है। तो अगर आपके पास मल्टीपल का अपना लॉट लॉट है, अच्छा प्रॉफिट आपको बना होगा। तो ये हो गया आज का, मतलब जो वीकेंड में जो अपना जो ट्रेड है, जो आप जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो एंजॉय कीजिए वीकेंड। जो प्रॉफिट नहीं हुआ उसको आप भी सिस्टम शट कर सकते हैं, क्योंकि अभी ज़्यादातर आपका मतलब अभी ऑप्शन बाइंग में खास करके एंट्री करने का कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि साइडवेज ही हो सकता है जो भी मूव आने का मतलब आ चुका है। तो अभी ज़्यादा कुछ आप करने का कोशिश मत कीजिए, तो जो उसके एडवेंचरस। अभी हम लोग ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे, जो स्विंग ट्रेडिंग, जो मोमेंटम ट्रेडिंग की हम लोग पैसा लो डिजिटल में करके, पैसा लो डिजिटल। अच्छा, पैसा लो डिजिटल में हम लोग कुछ दिन पहले हम लोग अराउंड 29 तारीख को ट्रेड किए थे, जो एक वॉल्यूम एनालिसिस करके, और जो हमारा था जो पैरामीटर मीट हो रहा था उसमें, जो भी हम लोग का जो रिक्वायरमेंट है जो स्विंग ट्रेडिंग मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए, तो आज अराउंड आपको देख सकते हैं 8.5% ऊपर है, और एक ज़बरदस्त मोरूबा जो कैंडल है, और जो वॉल्यूम भी आप पिकअप हो रहा है देख लीजिए, वॉल्यूम भी अभी हाईएस्ट वॉल्यूम आज है। तो अभी भी एंट्री किया जा सकता है, जो भी अभी एंट्री वो लेवल पर एंट्री नहीं किया तो अभी भी एंट्री किया जा सकता है उसमें, पैसा लो डिजिटल में। तो अभी जो पहला टारगेट है वो जो रेसिस्टेंस लेवल है 71-72 के लेवल है, उसमें वगैरह भी अगर वो ज़्यादा दूर नहीं है वन वे में जा सकता है। जो पहले जो अपना जो ट्रेड किया हमारे साथ जो, वो अभी ट्रेल कीजिए इसको, एक अच्छा मूव है पैसा लो डिजिटल में। तो जो भी विनिंग ट्रेड है हम उसको आगे और उसमें पोजीशन ऐड करने का भी कोशिश करना चाहिए, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन उधर ही होता है। जो लूजिंग ट्रेड है उसको पहले काट लीजिए। लो हर हर कोई मतलब जो भी हम लोग डिस्कस करते हैं, हर कोई अपना स्टॉक चलता नहीं है, किसी किसी को टाइम जाता है, किसी को अगर नहीं चलता है मतलब जो स्टॉप लॉस हिट हुआ उसमें बाहर आ जाइए। तो जो चल रहा है उसमें आपको पिरामिडिंग का बारे में सोच सकते हैं। और जो लास्ट लास्ट मंथ में एक हम लोग स्टॉक का ये किया था, जो वो भी बॉन्ड डील का जो मार्केट था, तो उसका बारे में एक न्यूज़ था। तो उसके बाद हम लोग एक इसमें भी एक ट्रेड इनिशिएट किए थे, वो है पीएनबी गिल्ड्स। पीएनबी गिल्ड में क्या है, 106 का एक लगभग या 106 के लगभग एक ऑल टाइम है उसका, एक लेवल है वो लेवल अभी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पीएनबी गिल्ड एक गैप अप उस दिन 20% का गैप अप था, उसके बाद हम लोग ट्रेड किए थे। उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, वो तो होना ही है, 20% एक बार जाने के बाद थोड़ा बहुत एक्यूमुलेशन होगा उस पर। तो उसके बाद अभी एक्यूमुलेशन जोन से बाहर होकर आज अराउंड 10-12-15% का ऊपर कामकाज कर रहा है। तो आपको 106 का लेवल बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, पीएनबी गिल्ड बने रही है इसमें। वो आज का सेशन का जो मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए जो पहला स्टॉक होगा हमारा बीजीआर एनर्जी सिस्टम। बीजीआर एनर्जी सिस्टम में क्या हुआ, एक लगातार मतलब जो लॉन्गर व्यू देखे तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न था उसमें, जो अराउंड 79 का आसपास आके एक थोड़ा बहुत पुल बैक देखने को मिला। उसके बाद एक 69 का लेवल पे एक अच्छा खासा एक सपोर्ट किया उसने मल्टीपल टाइम पे, उसके बाद आज वापस अप मूवमेंट चालू किया। अभी 79 का जो टारगेट के लिए जो पहला रेसिस्टेंस है उसके उसके लिए एक 2-3 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा के हम लोग उसको ट्रेड करेंगे, जो स्विंग ट्रेडिंग होगा अपना बीजीआर एनर्जी सिस्टम में। जैसे कि आप उसके बाद अगर ये अचीव हुआ था टारगेट, उसके बाद वापस उसको हम लोग रिव्यू करेंगे जो बीजीआर एनर्जी सिस्टम है। आप उसमें एक वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए उसको, एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी होगा अदर वो स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। और एक दूसरा स्टॉक होगा हमारा पीसी अपना ये पीसीबीएल लिमिटेड। पीसीबीएल लिमिटेड में भी मतलब ये लगातार ये भी ट्रेंडिंग स्टॉक है, और न्यूज़ फ्लो भी है इसमें। और बाकी आप देखते हो तो एक लगातार एक लास्ट टाइम लास्ट वीक में एक 182 के आसपास एक ये किया उसने, ऑल टाइम हाई लगाया। उसके बाद आज डिसेसिवली उसको ब्रेक करके ऊपर नया हाई बना रहा है, अनचार्टेड टेरिटरी में गया है। तो अभी आज अभी वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम भी अभी लगातार 2 दिन में बिल्डअप हो रहा है, इवन ये भी हो रहा है। लेकिन आज का जो लो स्टॉप लॉस लगा के 185 का जो ये लगा के 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के लिए आप उसमें काम करना चाहिए पीसीबीएल लिमिटेड में। तो एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी इधर भी स्विंग ट्रेडिंग का एक अपॉर्चुनिटी बनता है, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ बहुत मजबूत लग रहा है इसमें। तो अभी भी अपॉर्चुनिटी है उसको पीसीबीएल लिमिटेड आप वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए। और जो सेफ मतलब थोड़ा बहुत जो एनएफटी एफटी का स्टॉक जो करना चाहता है उसके लिए एक है स्टॉक अपना बजाज फिनसर्व। ये सब स्टॉक अपना
ऑल टाइम मतलब फेवरेट स्टॉक है, मतलब अभी कभी इसको एनालिसिस का जरूरत नहीं है, कभी डिप में बाई कर सकते हैं जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में, जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं आज भी उस पर एक अपॉर्चुनिटी है। 1611 चल रहा है अभी, जो 1690 के एक टारगेट के लिए, जो ये हाई है 1690 के एक टारगेट के लिए, आज के एक मतलब अराउंड अपना 1600 का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं उसमें, 1600 का स्टॉप लॉस लगा के आप उसमें जो ट्रेड कर सकते हैं, जो फ्यूचर में भी इसको ट्रेड किया जा सकता है उसमें, फ्यूचर में भी अभी जो एक करंट मंथ का जो अपना एक्सपायरी का अपना एक ए भी कर सकते हैं आप, एक लॉट ले भी सकते हैं उसमें जितना आपका कैपेसिटी है, और जो कैश में लेने वाले, जो इक्विटी में कैश में लेने वाले, तो उसमें कैश में भी आप बाई कर सकते हैं। 1690 का एक टारगेट रहेगा शॉर्ट टर्म में, उसके बाद रिव्यू करेंगे उसको बजाज फिंसर में, तो इतना मतलब ये थोड़ा बहुत उसका टाइम लेगा, बड़ा बड़ा मतलब साइज़ बड़ा है उसका, तो अपना जैसे कि हम लोग स्विंग ट्रेडिंग नॉर्मली स्मॉल कैप मिड कैप में करते हैं, उतना बस इतना इजिली टारगेट अचीव नहीं होगा, थोड़ा बहुत आपको पेशेंस चाहिए उसमें बजाज फिंसर में, लेकिन काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी तो। इवन काफ़ी NBFC भी ये अपना इसका चलते आज के जो मॉनेटरी पॉलिसी चलते उसके उसमें काफ़ी अच्छा तेज़ी है, जैसे कि पैसा लो डिजिटल में जाके, इवन काफ़ी सारा इसमें आपका तेज़ी देखने को मिल रहा है तो NBFC में, इसके चलते इसमें भी हम लोग इसको एक शॉर्ट लिस्ट किया है, तो उसमें भी आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, वीकेंड एंजॉय कीजिए, और जो न्यू कमर है अपना, जो विजिटर है जो चैनल में, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।